सो गाइज, आजकल की जो मेजर प्रॉब्लम है ना गर्ल्स की, दैट इज़ डार्कनिंग ऑफ वेजाइनल एरिया. बिकॉज हम ये बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट्स खरीदना अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो गया है. अपनी केयर करना इस टाइम में पॉसिबल तो है ना गाइज. सो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिए कि कैसे आप अपने वेजाइनल एरिया को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लीन रख सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइटन अप रख सकते हो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस साइड प्रिया सिंह. एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने वेजाइनल एरिया को लाइटन अप कर सकते हो, ब्राइटन अप कर सकते हो बाय यूजिंग नेचुरल होममेड प्रोडक्ट्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे आप उस एरिया को लाइटन अप कर सकते हो. तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेमो के लिए अपने हैंड्स या फिर लेग्स पे आपको अच्छे से शो करूँगी वन वन बाय स्टेप कि आपको कैसे उसे फॉलो करना है एंड किस वे में फॉलो करना है. स्क्रब प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 1/2 टेबलस्पून शुगर और इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके एक अच्छा एक्सफोलिएटर प्रिपेयर कर लीजिए. नाउ आपको इस एक्सफोलिएटर को अपने पूरे वेजाइनल एरिया पे अप्लाई करना है एंड 2 to 3 मिनट्स तक एक्सफोलिएट करना है. इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी जो भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी एंड आपकी स्किन बहुत ही सपल एंड सॉफ्ट होगी. सो गाइज, इसे आप वीक में एटलीस्ट 3 to 4 times कर सकते हो ऑल्टरनेटिव डेज पे. आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से इसे स्मूदली कर रही हूँ. देन उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए एंड एक ड्राई टॉवल से पैड ड्राई कर लीजिए. शेविंग क्रीम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंडीशनर. अगर आप चाहते हो तो एलोवेरा जेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ भी कर सकते हो सो दैट कि आपका रेजर ईजली ग्लाइड ऑन हो सके. देन आपको अपने ये रेजर को वेट करना है एंड छोटे छोटे स्टेप्स में ये रेजर को यूज़ करना है. सो आपको उसी डायरेक्शन में रेजर को यूज़ करना है जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ होती है. ऑल्सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने ऑलरेडी स्क्रब किया था तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स थे वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे, तो इसकी वजह से काफ़ी ईजली आपका शेविंग हो पाएगा. एंड गाइज, आपको वीक में ओनली 1 time ही शेविंग करनी है, लाइक मंथ में आप 2 to 3 times ही शेविंग कीजिए एंड इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए. एक बोल में आप थोड़ी सी मलाई ले लीजिए, अगर आप चाहते हो तो थिक कर्ड भी यूज़ कर सकते हो. देन इधर आपको लेना है लेमन जूस, आपको जस्ट नॉर्मली 2 to 3 tablespoons लेमन जूस लेना है एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. एंड लास्टली में आपको 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर मिक्स कर लेना है एंड आपका वाइटनिंग मास्क प्रिपेयर है. देन इस मास्क को आप अपने पूरे प्राइवेट पार्ट पे जेंटली अप्लाई कीजिए. सो गाइज, मैंने यहाँ पे मलाई यूज़ की है, अगर आप चाहते हो तो थिक कर्ड भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज दोनों के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम होता है. ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है एंड आपकी वेजाइनल एरिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. टर्मरिक आपकी स्किन में एक्चुअली ग्लो प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंट है इस मास्क का. एंड अगर आप लेमन जूस यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अच्छा ब्लीच वर्क करेगा. देन इसे 5 to 10 minutes के लिए ड्राई होने दीजिए. देन आपको अपना हैंड्स को थोड़ा सा वेट करना है एंड इसको जेंटली स्क्रब कीजिए. सो स्क्रबिंग से क्या होगा, इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं आपके वेजाइनल एरिया पे इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड आपका वेजाइनल एरिया काफ़ी ज़्यादा जो भी फाउल स्मेल्स आती है ना आपके वेजाइनल एरिया से उसे भी रिमूव करेगा. एंड आप इस पैक को प्रिपेयर करके भी रख सकते हो फ्रिज में फॉर 1 week. सो गाइज, वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन जहाँ पे भी मैंने ये अप्लाई किया था मास्क बहुत ही ज़्यादा सफल हो गई है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है. सो आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैंने इसे खुद पे यूज़ किया है. वाइटनिंग जेल प्रिपेयर करने के लिए आपको एक खाली कंटेनर चाहिए, घर पे कोई भी खाली कंटेनर पड़ा है आप उसे ले लीजिए. उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल एंड थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए. अगर आप चाहते हो तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर तो आलमंड ऑयल, आपके ऊपर डिपेंड करता है. देन इसे एक थिक कंसिस्टेंसी की क्रीम प्रिपेयर कर लीजिए. एज यू कैन सी ये वाइट कलर का बन जाएगा. देन इसे आप ईजली 1 to 2 months तक स्टोर करके रख सकते हैं. सो गाइज, सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद रात के टाइम आपको इस जेल को थोड़ा सा लेना है अपने फिंगर्स में एंड
अपनी पूरे वेजाइनल एरिया पे क्लीन करके इस क्रीम को अप्लाई कर लेनी है। सो आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अपने फेस पे क्रीम यूज़ करते हो तो आपका फेस ग्लो करता है, इन द सेम वे आपको ये जेल यूज़ करना है सोने से पहले, या फिर तो आप घर पे ही रहते हो मोस्टली टाइम, तो डेली भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल बेसिकली आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी वाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, एंड एलोवेरा जेल आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। सो गाइज, आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, विद इन 10 to 15 days आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस दिखेगा इन योर वेजाइनल एरिया। सो गाइज, वेजाइनल एरिया के डार्कनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली हार्मोनल चेंजेस, बट जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हो तब भी वहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोज पहन रहे हो तब भी फ़र्क पड़ सकता है, एंड ऑल्सो अगर आप वॉशरूम जाते हो एंड देन उस एरिया को क्लीन करके ड्राई नहीं करते हो, देन ऑल्सो यू विल सफ़र फ्रॉम इचिंग एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट्स फॉर ऑल गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।